मैं यहाँ पर नीचे कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पैर ही नहीं है। तो अब देखते हैं ये मेरे पैर बना पाता है। अगर यहाँ पर मैं कहूँ मुझे ही हटाना है पूरा का पूरा, तो क्या ये कर पाएगा? शेट भाई, अबे भाई साहब। तो फोटोशॉप के न्यू अपडेट में तुम्हें ये जनरेटिव इमेज वाला फीचर देखने को मिलता है। अब देखो, वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ भी इसकी तारीफ हो रही होगी, और इंटरनेट पे जब मैंने सर्च किया वीडियोस जो बनी हुई है वहाँ भी इसकी तारीफ हो रही है। मुझे पता है ये तारीफ वाला फीचर तो है क्योंकि बहुत टाइम से फोटोशॉप में ऐसा कुछ अपडेट आया नहीं है, बट जितनी भी अब तक मैंने वीडियो देखी है ना, सब स्टॉक इमेजेस यूज कर रहे हैं। बट अगर इस चीज को अच्छे से टेस्ट करना है तो अपने कैमरा या फोन की फोटोज लो, उससे टेस्ट करेंगे आज हम। तो ये एकदम इसका रियलिटी टेस्ट होगा कि इतना अच्छा है भी या नहीं। अब देखो, ये है फोटोशॉप का नॉर्मल वर्जन, ये है फोटोशॉप का बीटा वर्जन। तो अभी के लिए बीटा वर्जन में, लेकिन नेक्स्ट अपडेट में फोटोशॉप के नॉर्मल वर्जन में भी आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने अपने फोन से बहुत सारी इमेजेस ले ली हैं और इनमें देखेंगे ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अगर हमें बैकग्राउंड में से कुछ रिमूव करना है तो हमारे पास पहले से ही कंटेंट अवेयर फिल तो है ही। मान लो ये फोटो है और मुझे बैकग्राउंड में से ये लोग हटाना है, तो मैं यहाँ लासो टूल पे आके इसको सिलेक्ट कर लूंगा एंड एडिट पे जाऊंगा, कंटेंट अवेयर फिल और अप्लाई। तो पुराने वाला कंटेंट अवेयर फिल ऐसे करता था कि साइड में से इमेजेस को लेके यहाँ पर पेस्ट कर देता था, तो बहुत ही अजीब लग रहा है ये। तो अभी के लिए इसको करते हैं डिलीट। अब नए वाला जनरेटिव फिल ट्राई करते हैं, दोबारा से लासो टूल से सिलेक्ट कर लूंगा एंड जनरेटिव फिल। और यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा कुछ डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पीछे से लोगों को गायब करना है तो इसको खाली छोड़ दो और बस जनरेट पे क्लिक कर दो, और ये थोड़ी देर लोडिंग होगा और ये इसने जनरेट कर दिया है। और कंटेंट अवेयर फिल से तो बहुत बेहतर है, बल्कि यहाँ पर तुम्हें तीन तीन ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें से तुम चूज कर सकते हो। जैसे कि पहला ये है, और ये बिल्कुल सही लग रहा है यार, ऐसा लग नहीं रहा कि ये पहाड़ नहीं, शेट भाई। दूसरा और तीसरे वाला तो बिल्कुल, जो इसने यहाँ पर ये पेड़ बना दिया, फर्स्ट वाले में ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े इसने डुप्लीकेट कर दिए पत्थर, लेकिन सेकंड वाले में इसने पूरा का पूरा पहाड़ ही ऐसा बना दिया। और देखते हैं हम इस इमेज में क्या कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर स्काई को सिलेक्ट कर लेंगे, नॉर्दर्न लाइट्स, देखते हैं अगर इसने ये जनरेट कर दिया बहुत अच्छे से तो मान जाऊंगा मैं। अबे अच्छा लग रहा है यार, अबे भाई ये तो मस्त लग रहा। और अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ पर तुम इसे दोबारा जनरेट कर सकते हो, और ये तुम्हें फिर तीन और ऑप्शन दे देगा। और तुम देख रहे हो यहाँ पर पेड़ की तरफ ध्यान दो, ये हर जनरेट इमेज में पेड़ को चेंज कर रहा है, और बिल्कुल सीमलेस लग रहे हैं यार पेड़। ये देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और बैकग्राउंड के साथ कितना मर्ज हो रहा है। चलो ये सब तो अच्छी चीजें हैं, इसने ये कर दिया, लेकिन अगर यहाँ पर मैं कहूँ मुझे ही हटाना है पूरा का पूरा, तो क्या ये कर पाएगा? अब देखो, कंटेंट अवेयर फिल तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लक्ष्य है और मैं हूँ यहाँ पर ओवरलैप हो रहे हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल होगा इसके लिए। अबे सही में हटा दिया मुझे। तो यहाँ पर मुझे इसने हटा दिया है, और जो यहाँ पर ये पेंट वाला हिस्सा था जहाँ पर मेरा हाथ था वो भी इसने बना दिया। और यहाँ पर भी तुम्हें तीन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, पहले वाला सबसे सही है, बट ये क्या हो रहा है ना, हवा में लग रहे हैं पैर। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर डालते हैं बिग रॉक। डालने पर ये वो ना लगा दे। अबे यार, शेट भाई, ये सेकंड और थर्ड वाला, सेकंड वाला देखो तुम एक बार, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट यही वाला स्टोन है। फर्स्ट वाला तुम्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट सेकंड और थर्ड, शेट, खत्म कर दिया भाई, खत्म कर दिया फोटोशॉप ने मेरा करियर। जो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर से इमेज मैनिपुलेशन कर लेता था, अब वो सिर्फ एक टेक्स्ट डाल के तुम कर सकते हो। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, ये है हमारी फाइनल इमेज जो तुम यहाँ पर देख रहे हो। आइए दूसरी इमेज पर अब ट्राई करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना क्लियर स्काई है। अरे ओ, बटरफ्लाई भी थी इस इमेज में, वाओ। अभी मैंने यहाँ पर अपने आप को सिलेक्ट कर लिया है। अब बाहर का एरिया मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि मैं अपने आप को अब कहीं और भेजने वाला हूँ, जैसे कि एंटार्कटिक। अब देखते हैं ये भरी गर्मी में से मुझे एकदम सर्दी वाली जगह पे ले जाता है या नहीं। अगर ये सही में मुझे एंटार्कटिक में पहुंचा दे तभी मैं मानूंगा इसे एक अच्छा AI। ओ अरे यार, पानी पे खड़ा कर दिया इसने तो, और तीनों इमेज में मैं पानी पे ही खड़ा हूँ। ठीक है। देखो बाकी सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ठीक ठाक टूल है, तुम इसलिए यूज कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर ये लोग हटाने हैं तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करूंगा, एंड अगर मैं चाहूँ तो इनको सिर्फ एक सेकंड में अब गायब कर सकता हूँ। बताओ कैसा प्लेन ग्राउंड कर दिया एकदम। और अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक लाल झोपड़ी भी डाल सकता हूँ मैं यहाँ पर, जिससे मेरी इमेज और भी ज्यादा निखर के आएगी। ये वाला सही लग रहा है यार। तो अब तक जो काम हम बहुत सारी इमेजेस उठाकर उसमें बहुत सारा टाइम लगाकर कर रहे थे, वो अब सिर्फ कुछ टेक्स्ट डालकर सिर्फ एक मिनट के अंदर हो जा रहा है। ये अच्छी भी बात है,
और खतरनाक भी। पता नहीं मैं खतरनाक पे मुस्कुरा क्यों रहा हूँ। तुम इसे बहुत चीजों में यूज कर सकते हो बट हर चीज के लिए नहीं। और यहाँ पर मैं अपनी इमेजेस इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमारी इमेजेस क्या होती है फोन से ली हुई है तो लो क्वालिटी है थोड़ी। अगर स्टॉक इमेजेस में मैं चेंजेस करूंगा वो हाई क्वालिटी होती है तो उसका इधर उधर से उठा के कुछ ना कुछ बना देगा बट अपनी इमेजेस में करके दिखाओ ना। अच्छा इसमें तुम ऐसा भी कर सकते हो कोई तुम्हारा बैकग्राउंड है तो उसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। अभी तुम्हें यहाँ पर क्रॉप टूल में आ जाना है और मैं इसको एक्सपेंड कर लूंगा इस तरह से। अबे भाई ये क्या इमेज थी इसने क्या बना दिया इसका। ये एक पोर्ट्रेट इमेज थी और अब मैं इसको एज ए बैकग्राउंड वॉलपेपर यूज कर सकता हूँ। ये मस्त है भाई एक्सपेंड करने वाला। एक्सपेंड करने वाला कितना यूज कर सकते हो तुम। यानी कि अगर तुम्हें इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालनी है आधी तुम्हारी इमेज पोर्ट्रेट में आधी तुम्हारी लैंडस्केप में तो तुम उसको एक्सपेंड करके जितना चाहो उस रेशो में बना सकते हो। बिल्कुल क्लियर लग रहा है यार ये तो। और यहाँ पर तुम ये देख रहे हो ये पत्थर में जो टेक्सचर है वो ही यहाँ वाले में भी है। गुड भाई बहुत बहुत सही। मान लीजिए आपकी इमेजेस में बहुत सारे लोग हैं जैसे कि यहाँ पर ये देखिए एक ऐसी शक्ल का बंदा है इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। इन भाई साहब को भी रिमूव कर देते हैं और इनको भी रिमूव कर देते हैं। अब ये मान लो मुझे ये थंबनेल के लिए फोटो यूज करनी है बट यहाँ पर मुझे सिर्फ लक्ष्य और बैकग्राउंड चाहिए। और जनरेट जब भी तुम्हें कुछ भी रिमूव करना हो तो कुछ प्रॉम्प्ट मत डालो ये खुद समझ जाएगा कि तुम करना क्या चाहते हो। दूसरी बात यहाँ पर पीछे ज्यादा कुछ मैं ये कह रहा था कि दूसरी बात यहाँ पर ज़्यादा कुछ पीछे है नहीं जिससे से पता लगे कि क्या जनरेट करना है। बट शेट भाई अबे भाई साहब अरे इसने जनरेट करते हुए एक बद्दा ला दिया बैकग्राउंड में ये पता नहीं कहाँ से आया। अभी बाकियों के रिएक्शन लूंगा इस पे। ये देखिए एआई का कमाल। जैसे कि मान लो हमारी ये इमेज थी अगर मुझे एक्सटेंड करनी है बस सेम तो ले रहा सेम पहाड़ है सेम पेड़ है। अब मान लो ये थंबनेल के लिए यूज करनी है फोटो भाई ये तो लुंडे सारे खराब है आ ही नहीं रहे ढंग के। और ऐसे नहीं एक नहीं देता तीन रिजल्ट दे तो अब तो फर्क पता लगना बंद हो गया भाई। भाई एक्सटेंड करने वाला फीचर तो बहुत ही बढ़िया है। इस वाली इमेज में भी एक बार करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर इसको क्रॉप टूल से एक्सपेंड करता हूँ। अब मैं सिलेक्ट कर लूंगा ये वाला एरिया जनरेट। कुछ नहीं डालना तुम्हें प्रॉम्प्ट ये खुद ही समझ जाएगा तुम करना क्या चाहते हो। जैसी मेरी इमेज में ओरिजिनल क्लाउड्स थे वैसे क्लाउड्स हैं वैसे ही पहाड़ हैं वैसे ही ग्रास है। और एक बार ये और करके देखते हैं। और मैं यहाँ पर नीचे कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पैर ही नहीं है तो अब देखते हैं ये मेरे पैर बना पाता है या नहीं। जनरेट कर दूंगा देखते हैं एक समझ पाएगा इस चीज को या नहीं। ओ शिट बिल्कुल सेम सैंड है बिल्कुल शेडो के साथ साथ इसने मिला के पैर बना दे। यहाँ पर तुम्हें पैर गायब हुए दिखेंगे बट चलता है सैंड है नीचे तो तुम ये इसने एक ये वाला भी दिया है बट इसमें पैर ज्यादा ही छोटे लग रहे हैं। बट ये दोनों नींद उड़ चुकी है अब मेरी बिल्कुल। और यहाँ पर क्या कर देते हैं यहाँ पर करके देखते हैं लेक बिल्डिंग्स के नीचे लेक जमेगी नहीं थोड़ी बट मेरे दिमाग में आया तो मैं करके देख लेता हूँ ऐसे। ये तो बिल्कुल रियल लग रहा है यार यहाँ पे इसने ये देख रहे हो ये बिल्डिंग की रिफ्लेक्शन जो है पानी के अंदर इसी बिल्डिंग की। अच्छा इसमें एक और चीज लास्ट करके देखते हैं। जैसे कि मेरी ये इमेज है मैंने पोर्ट्रेट मोड में ली थी पीछे यहाँ पर लोग ब्लर है अब मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ पर डालता हूँ पीपल स्टैंडिंग। अब ये बैठे हैं इन लोगों को खड़ा कर देता है। और अब तुम ये देखो यहाँ पर इसने मुझे तीन इमेजेस दी हैं। सबसे पहला यहाँ पर ये ग्रीन लाइट थी इसने इसको मैच किया तीनों इमेजेस में। दूसरी बात ये पोर्ट्रेट मोड में है बैकग्राउंड ब्लर था तो इसने सारी इमेजेस ब्लर में जनरेट की हैं या कह सकते हो तुम जनरेट करने के बाद उन्हें ब्लर किया है। अब मैं ऐसा करता हूँ अब मैं सो जाता हूँ पूरी जिंदगी भर के लिए क्योंकि अब मेरा यार क्या ही काम बचा अब मुझे लगता नहीं मेरी किसी को जरूरत होगी इसके बाद। और अभी तुमने एक फीचर तो देखा ही नहीं है अगर तुम्हारे पास व्हाइट ब्लैंक कैनवस है और तुम्हें एक थंबनेल बनाना है तो नीचे वाले एरिया को सिलेक्ट करो यहाँ पर आओ जनरेट में डालो टॉल ग्रास ग्रीन लैंड टॉल ग्रास ग्रीन लैंड। जैसे तुमने ये सर्च किया तुम्हारे पास ही आ गया। अब ऊपर वाले एरिया को सिलेक्ट कर लो यहाँ पर जनरेट करो स्काई विद माउंटेन्स जनरेट। मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ सिर्फ कुछ टेक्स्ट डाल रहा हूँ वो भी 30-30 सेकंड के गैप में और ये मुझे एक बैकग्राउंड बना कर दे देगा खुद। और सबसे अच्छी बात तो है ये मर्ज भी कर
देखिए ये देखिए, मेरे बोलने से पहले ही बना देता है। सबसे अच्छी बात है ये तुम्हारी पिछली इमेज को मर्ज भी तो कर देता है। अब इसमें से तुम कोई भी चूज कर सकते हो, जैसे कि ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये वाला तो और भी अच्छा है। अब मैं यहाँ पर अपनी एक इमेज लगा सकता हूँ। मैंने यहाँ पर ये इमेज लगा दिया है, सिलेक्ट सब्जेक्ट कर दूंगा, सिलेक्ट एंड मास्क कर दूंगा, ये मैंने अपने आप को लगा दिया है। इस पर मैं ड्रॉप शैडो डाल दूंगा इस तरह से। यहाँ पर मैं एक और चीज़ जनरेट करता हूँ, रेड बिग हट, एंड इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर ले। ओ ये बिल्कुल सही है। हैशटैग डे 100, एक PNG सर्कल उठा लेंगे ऑनलाइन, पेस्ट, एंड एक मिस्टर बीस्ट थंबनेल तैयार सिर्फ 3 मिनट में। तो बस यही सब था आज की वीडियो में। हमने चेक किया कि ये फोटोशॉप का अपडेट कुछ काम का है भी या नहीं, और मुझे लग रहा है कि ये टूल बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर पहले सिलेक्ट सब्जेक्ट वाला नहीं आता था फोटोशॉप में, बट अब मैं उसको डेली यूज करता हूँ। इसी तरह इसको भी हम यूज करते रहेंगे, क्योंकि लैंडस्केप और ये फोटो इमेजेस को एक्सटेंड करने में बहुत काम आता है। टूल तो अच्छा है, बट अभी थोड़ा एक्यूरेट नहीं है, जो तुम चाहो वैसा नहीं जनरेट कर पाता है। अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जनरेट कर देगा, और तुम्हें अगर वैसा चाहिए तो तुम हाँ इसे अच्छे से यूज कर सकते हो। बाकी मुझे तो ठीक लगा, बस मेरी जॉब ना खा जाए। और इतना ही था इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जॉब ना जाए तो नीचे मेरे लिए थोड़ी सी प्रेयर्स करें कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगली वीडियो भी देखने आए अगले हफ्ते। तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को कर दे लाइक। बाय, धन्यवाद।